ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना। ना हिन निर्मल करनी साध संगत के अंचल लावो, बिखम नदी जाए तरनी। सतनाम वाहे गुरु साहेब जियो। राग सूही महला पंजवां, अष्टपदियां कर दसवां काफी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जे पुली जे चुकी साई, पी तहिंजी काढ़ियां। जिन्हा नेह दू जाने लगा, चूर मरो से वांडियां। जे पुली जे चुकी साई, पी तहिंजी काढ़ियां। जिन्हा ने दू जाने लगा, चूर मरो से वांडिया। हाँ ना छोड़ो कंत पासरा, सदा रंगीला लाल प्यारा। एह महिंजा यासरा रहा, सजन तू है सैन तू, मैं तुझी ऊपर बहुमानिया। जा तू अंदर ता सुखे, तू नी माणी माणिया। जे तू तुठा कृपा निधान, ना दू जावे खाल। एहा पाई मूंदा तड़ी, नित हृदय रखा संभाल। पाव जुलाई पंद तो, नैनी दर्श दिखाल। सर्वनी सुनी कहानियां, जे गुरु थीवै किरपाल। कीती लख करोड़ प्रिये, रोम न पूजन तेरे आ। तू शाही हूं शाह, हूं कह ना सका गुण तेरे आ। सहिया तौ असंख मंझों हब वधानिया। हिक भोरी नदर निहार, देह दर्स रंग माणिया। जैन डिठे मन धीरिय, किलविख वंजन दूरे। सो क्यों विसरै माओ मैं, जो रहे आपर पूरे। हुए निमाणी टह पई, मिलिया सहज सुभाए। पूर्व लिखिया पाया, नानक संत सहाय। हुए निमाणी टह पई, मिलिया सहज सुभाए। पूर्व लिखिया पाया, नानक संत सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु, तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरुदेव पातशाह जी की अपार बख्शिश। शाम समय असी सतसंगत दे पल माण रहे हैं। गुरु शब्द व्याख्या का समा है। राग सूही का अष्टपद्यां का संदेश जो बीते कल असी प्रारंभ किया, उसका संपूर्ण पाठ आपने सरवण किया है। बचन की विचार
रहाओ दे पदे तो ही कर रहे हाँ। एक सरसरी नज़र होएगी, उपरंत एक नंबर बंद तो विचार नूं अगे तोर रहे हाँ। गुरदेव जिक्र कर रहे, हाओ ना छोड़ो कंत पासरा, सदा रंगीला लाल प्यारा यह महिंजा आसरा। हाओ ना छोड़ो कंत पासरा, अकाल पुरख वाहिगुरु कंत रब्बी हस्ती, ओ शक्ति ओ हुक्मी फोर्स जिदे सदका सब को जरखेज आ। बंदा इस शरीर विच शरीर तो बार हर जगह तुनु माण रहा है, उदे विच जी रहा है, उही सब प्रोसेस कर रहा है, पर सुरत करके भुल गया। जिथे सुरत उहदे नाल लबरेज हो जाती है, फिर वो एहसास आ जाता है कि हर वक्त उस हस्ती तो जिहड़ी जर्रे जर्रे च जरखेज हो के जर्रे जर्रे च मौजूद रह के नवाज रही है, आपां दूर नहीं जाना। सोनू गुरु बाबा जी ने कहा, हाओ ना छोड़ो कंत पासरा, मैं कंत का अकाल पुरख वाहिगुरु वाला पासा क्यों छड़ देवां, मेरे हर वक्त सुरत उधर रहे। ये बात आए, सदा रंगीला लाल प्यारा, जीवन बहुरंगी है। बीते कल भी बड़ी डिटेल बात हुई सी, इहदे च कुछ रंग बड़े शोख हुंदे ने, बड़े जिन्हों कहा जाए कि दे आर वेरी डार्क, दे आर वेरी काइंड ऑफ ब्राइट, बट देर आर ऑल्सो सम कलर विच आर नॉट दैट मच ब्राइट। जिन्हों कह लो कि वो शोख नहीं गए, वो रंग असी कई बार चाहते भी नहीं। जो मैं मैटाफोरिक साइड तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैवल से लिया जाए, जन्म हर बंदा चाहता है, मरण नहीं चाहता। जन्म का रंग बड़ा ब्राइट आ, खुशी वाला आ, ये नाल टोल वजदे ने, नाच गाने होंदे ने, ये नाल खुशी आउंदी है, ये नाल इजाफेदारी वधाई वधना महसूस होंदा आ, मर नहीं, ये नाल घटा महसूस होंदा आ। ईवन पंजाबी जबान जदों लोग कोई डैथ हो जाती है तो अफसोस करते हुए भी कहते हैं बड़ा घाटा पिया, मीन दैट इज काइंड ऑफ लॉस, बिग टाइम लॉस। सो ये रंग जिहड़ा आया बड़ा फिक्का रंग है तो जीवन का ही एक रंग, बट नो वन वांट टू एक्चुअली सी दिस साइड एट ऑल, नो एलिमिनेट हो जाए। पर ये कायनात इस तरीके नाल रंगा नाल भरी हुई है। असि कैनेडा च रह रहे हैं, मैटाफोर बहुत कमाल दा है वैसे, जिस लैवल से देखा जाए रंग बारे। साढ़े इत जदों बहार शुरू होंदी है तो बहार के नाल ग्रीनरी बड़ी जबरदस्त ढंग नाल आउंदी है। जिवें बहार बतीत हो रही, नाउ वी आर गोइंग थ्रू द फॉल सीजन। तुसीं माड़ा जिहा कंट्री साइड नूं जाओ, तुहानूं पत्तियां दे रंग दिखणगे, तुहानूं मतलब साढ़े लिए तो रंग जिहड़े ने कमाल है। इंज लगता है किसे मसव्वर ने क्या कलम लैके सीनरी बनाई है, सीनिंग ब्यूटी। मतलब जे 100 बूटा आ, मैपल की कितनी है पत्तियां दी किस्मां ते कितने पत्तियां दे रंग, सब कुछ ये सानू दिसदे ने। जिस बूटे नालों ओ उखड़ रहे ने, टुट रहे ने, उस बूटे नूं पुछ के देखो, उहदा ते लॉस है बड़ा वड्डा। उहदी ते एक्चुअल लैवल ते सारी जिहड़ी पिछले सीजन की मेहनत आ, जिहदे विच उहने सारे उस एनर्जी लगा के कहा कि मैनू ये सब कुछ जिहड़ा हैगा मैनू वड्डियां करनगे, पर उह ते हुण जा रहे ने बड़ी अर्ली, बड़ी छेती। सो ये चीज़ा ने जीवन दे, ये सब रंग ने इस तरीके दे नाल। बनदा जीवन, टुटदा जीवन, मिलदियां चीज़ा, विछड़दियां चीज़ा, ये सब इस रूप विच। बंदा आप नूं मिले, अक्सर दाने लोगों ने कहा आ, सुख दे समय कई बार बंदे रब भी चेते रहिंदा, रब भी याद करदा, बंदा कितना कितने थोड़ा बहुत उस किस्म दा हुंदा है। दुख का समा आ जाए तो कई बार दुख बहुत भारू होए, बंदे रब भी चंगा नहीं लगता, तो कहिंदा कादा रब आ, काते रब दे नाम की गल करते हो, कोई फायदा तो है नहीं गा, वट इज़ द बेनीफिट। सो इत साहब महाराज ने कहा, जो बंदे नूं बिल्कुल
डीप लैवल ते अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर उन्हें पता लगता है जीवन दे रंग ने, जिवें बीते कल विचार रहे सी, आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंगी, जो तिस भाव है नानका साई गल चंगी, जो उन्हें पाँदा चंगा है बस उहदे च ही राजी रहना है। ये इस तरीके ने चलता है। इत्थे गुरु साहब ने कहा सदा रंगीला लाल प्यारा, वह सदा हर तरह के नाल रंग भरन वाला, जीवन नूं रंगदार बनाउण वाला, बड़ा लाल प्यारा, मेरे वास्ते बड़ा बेशकीमती है, मेरा स्नेह देण वाला आ। यह महिंजा आसरा, महिंजा का मतलब है मेरा मैंडा, यह मेरा आसरा हो गया, मेरे मन का सहारा यह हो गया है, यह रहा वह पद आया। हुण शुरुआती पद तो लै लें, लैंग्वेज मैं बीते कल बिनती की पोठोहारी है, इहदे च तुहानूं सरगोधी का रंग मिलेगा, बड़ी मिठी पंजाबी जबान का एक डायलैक्ट हैगा, देखो उपभाषा जिन्हों असीं कहिंदे आ पंजाबी जबान दी, क्योंकि पंजाबी बोली दीआं कई डायलैक्ट ने, कई वक्खरी वक्खरियां उपबोलियां ने, जिवें असीं माझी मजैल बोली, दुआबी दुआबे की बोली, मालवे खेत्र की मलवई लैंग्वेज, फिर जो हैगा पुआंद बोली, बांगर बोली, सेरू बोली, इस तरीके ना लाहौरी बोली, एग्जैक्टली इन बन जी है पुआंद इलाके की बोली है। सो बड़े लफजा नू बड़े सुंदर रूप दे गुरु बाबा जी ने परोसिया है। जिक्र आ रहा जे भूली जे चूकी साई पी तहिंजी कांडिया, जे भूली दाता जे भुला भी करते हैं तो जे आखिरकार भुल भी गए हाँ, जिहड़ा भुलना है ना, जे जिहनू आपां इंग्लिश लैंग्वेज सिन कहने, इफ वी एक्चुअली गो थ्रू द वर्ड रूट्स ऑफ दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, देन वी कैन फाइंड आउट सिन वर्ड इज कमिंग फ्रॉम हिब्रू लैंग्वेज, हिब्रू बैकग्राउंड, तो उहदा मतलब यह बनता है भुल जाना, टू फॉरगेट। जिवें सपोज करो तुसीं कितें ड्राइव कर रहे हो, तो ड्राइव करदे आ तुहानूं तुसीं ओवर स्पीड हो गए या तुसीं रैड सिग्नल पास कर लिया, तो कई बार जिहड़ा पुलिस ऑफिसर है जदों चलान कटदा टिकट बनाउंदा आ तो वह ये लिख दिंदा भी नोट ओबेइंग द स्पीड साइन, इहदी ट्रांसलेशन बनदी है दैट इंडिविजुअल फोरगेट टू पे अटेंशन टूवर्ड द स्पीड, ये पाप है, ये ना वेखना, इनू अटेंशन पे ना करना, भुल जाना इहदी सजा आ। जदों बंदा भुलदा आ, हुण मतलब ये भुलां बहुतियां तां ही होंदियां जदों रब भुल जांदा, बंदे दी इही हालत है, जिहनूं गुरु साहब ने कहा सीगा परमेश्वर ते भुल्लिआं। जे याद रहे कि रब हर थां ते मौजूद है, कायम दायम है, आले दुआले है, बंदे तू अकाउंटेबल आ, किवें मन गुस्ताखी करेगा, किवें मन कहेगा चोरी कर लै, किवें मन कहेगा किसी का दिल दुखा दे, किवें मन कहेगा किसी नाल जिहड़ा है किसी किस्म की बेईमानी कर लैना, भुल उदों है कि जदों होगा, कोई गल नहीं, किहड़ा पता लगना, यह एहसास ही नहीं मैं कर की रहा हूँ, मैनू कोई वेख रहा है, उहदी नज़र मेरी कॉन्शियस बैठा तो मैनू मोनीटर कर रहा है। जिवें ही ये बात आई नहीं, भुल हो ही नहीं, तो भुल ही पाप है असल में, जिहड़ियां भुल्लां होंदियां ने यही अगे चढ़ के पौड़ियां चढ़ांदियां ने उस रूप में। गुरु बाबा जी ने कहा हे करतार, जे भुली जे भुल गई, जे भुल्लां हो गई, जे एहसास ना रहा, जिहनूं महाराज ने बाणी च बड़े वक्रे वक्रे तरीके नाल बयान किया, कितें असी बचन पढ़ते हैगे हाँ, गुरु साहब कहिंदे भी जदों अकाल पुरख वाहिगुरु बंदे की सुरती चो विसरदा हैगा तो उस वक्त ही वो जीवन दे विच खुआरी जिहड़ी है वो पक्की है, लाजमी है, क्योंकि खुआरी का दूसरा ना ही ये है कि रब भुल गया। इत्थे साहब कहिंदे दाता है तो साडा यह एहसास कि असीं तैनूं चेते रखिए, याद रखिए, एहसास रखिए, भुलीए ना, पर सपोज जे भुली जे चुकी साई, चुकी किसी चीज़ तो चूक हो जाने, मतलब आम लैंग्वेज असी कह लीए भी कम कुछ सानू दिता जाए तो असी उन्हें प्रॉपर ना कर सकी, कोई टास्क मिल जाए जिंदगी का, सपोज साढ़े टास्क ही ने, पहला टास्क मदर नेचर ने शरीर दिता आ, यदि संभाल करनी,
बंदा चूक जाए। किवें चूक जाएगा? ना खाण योग चीज़ा खाण लग जाए, ना पीण योग चीज़ा पीण लग जाए, ना करण योग काम करन लग जाए। चूक गया, हुण शरीर गल रहा है। पाप इत्थों शुरू हुंदा। बंदा सोचता है ये शायद किसी होर का नुकसान करके किसी उस रूप दे च। गुरु साहब ने कहा ना, नानक सो प्रभ सिमरिया तिस दे ही को पाल। आ पहली तेरी गल है, इत्थे ना चूक जाएं कितने। खाण दा ध्यान करना, पाण दा, रहण दा, हर चीज़ दा। इसलिए गुरु साहब ने कहा बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खाद है तन पीड़ी है। कितने ऐसा तो नहीं तेरा खाना ही तुहानू प्रताड़ित कर रहा है। अज भावें ओबीसिटी की गल हो रही है, भावें डिफरेंट किस्म दी बीमारियां रोगों की गल हो रही है, मोस्टली तो फूड इनटेक ही है। जे ड्रग्स की भी गल की जाए तो एक्चुअल लैवल से तो फूड इनटेक ही है। बहुता ड्रग्स से जोड़ा आ फूड के तौर पर लोग ले आए हैं, जिमें सिविल ड्रिंक अलकोहल लै आती है। बड़े लैवल से बंदा इन होना अलकोहल कंज्यूम ही नहीं मनता, अलकोहल कंज्यूम कर बंदा ड्रग इनटेक ही नहीं मन रहा। जे मैं सिंपल जी थोड़ा मिसाल देव तो जी हूँ पंजाब दे विच सूबा सरकार चल रही है तो यदा मुखी जोड़ा आ जो अजे मतलब जो बंदे दे कोल पावर नहीं होंगी उदों तो फिर बंदा बड़ा लिलकड़ियाँ लैंदा भी किसी तरीके नाल मेरे भी पैरां हेठ बटेरा आ जाए, मैं भी कुछ आखिरकार अपनी जिहड़ी है अपनियां मान्याइयां कर सकां। तो उदों एक रैली के दौरान इन्हें गुटका साहब हाथ च फड़िया, तुहानू याद होएगा सारा बड़ी चंगी तरह। गुटका साहब हाथ च फड़िया तो सौं खा के पता नहीं चार हफ्ते मंगे सीगे भी बस ड्रग्स खत्म कर दें। मैनू पता बड़ी वड्डी समस्या पर मैनू मैं सौं खा रहा लो। हालांकि गुटका साहब बाणी इस वास्ते थोड़ा लिखी है भी तू सौं खाए नाल, वो तो है भी ना असी समझे हाँ तो ना, हालांकि वो भी क्लेम तो भी करते ही सिख परिवार चो ही, पर गल ये भी समझे समझाए दसे भी तो कोई कौन है भाई पढ़ने वास्ते समझने वास्ते समा खाने वास्ते नहीं है। ये किस पासे नू जा रहा है इसे सारा काम। खैर वो गुटका साहब हाथ च फड़िया तो बोलता जी मैं सौ खाना कि मैं चार हफ्ते सब खत्म ड्रग्स खत्म कर देंगा। वो जिवें स्पीकर तो थले उतरिया तो पत्रकार ने पूछा भी अच्छा तुहाडी फिर तुसी जिवें सौ खाओगे सूबे के आगू बनोगे तो ठेके बंद करोगे। वो कहते कमाल हो गई तुसी पागल हो, तुहानू किने क्या ठेके बंद हो जाएंगे। वो कहते तू हुण सौ खाधी उत्थे खड़े हो के, वो नहीं 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 मैं सौ खाधी ड्रग्स बंद करा। कहते आ की है उन्होंने एहसास ही नहीं इस गल का भी ये भी नशा है, ये भी कोई चीज़ है। लिटरली तौर पर देखो बंदा सोचता ये कि चीज़ है। सो ये जो चूक यही है तो एक दिन की चूक नहीं गई, खाण पाण रहन सहन बंदा हर थान पर चूक कर रहा। जिन्होंने ये नहीं पता खाना की है पाना की है रहना किवें है इस नाल, फिर ये जरिए आले दुआले डील किवें करना है, फिर चूक हो रही है। रिश्ते नहीं सांभे जा रहे, स्नेह नहीं ना दे पा रहा ना लै पा रहा है, यही जिंदगी का सारा यही गड़बड़ है सारी। ता ही बंदे नूं रब चंगा लगता, रब का ना चंगा लगता है भी की है ये। अक्सर लोग कह भी देंदे ने कादी दुनिया आ, कादा रब ने संसार बनाया, दुख ही दुख है भाई। गल यह है भुलां भुलां तो बाद चूक हो जानी, चूक जाना जिहड़ा कम करन योग है, जिहड़ा जदों करन योग है उदों ही। हुण सपोज करो ना समय कुदरत दा हुक्म है, ला आ उस ला दे अकॉर्डिंगली। जिवें साडा शरीर है, इस शरीर दे विच कुदरती तौर पर फूड वगैरह इनटेक प्रॉपर करो, एक समा आएगा जदों इहदा ब्रेन एबिलिटी तो लैके हर चीज़ बनती लगी जाएगी। बच्चे का जिहड़ा मोस्टली ब्रेन का जिहड़ा हिस्सा साडे समुचे बिहेवियर नूं कंट्रोल करता है वह पहले 18 महीने च बन जाता है। डन पहले 18 महीनों बिहेवियर ऑलमोस्ट बच्चे का जोड़ा है वो अकॉर्डिंगली चलता है। उस तो बाद पहले 6 साल ब्रेन द्वारा बड़ी फास्ट लैवल से रीओरगनाइज हो जाता है। उस तो बाद होंगे 21-22-23 साल तक, पर बहुत स्लो प्रोसैस से वो ही 9-10-11 तक जाते अज तक। जिमें अजकल फूड वगैरह जोड़ा है ये थोड़ा हारमोनस एड है हर चीज़ के, जिस करके थोड़ा फर्क पै गया। अदरवाइज 10-11-12 तक जाते जाद्या जिन्हों से पुबर्टी कहने है वो आमद होनी शुरू होंगी है, जेडे हारमोनस ने वो चेंज होने शुरू होंगे ने।
जिहड़े साडे इनर ग्लैंड्स ने डिफरेंट विनर रिएक्ट करना शुरू कर देने, सो ही चीज़ आउंदी है। इनबिन जिहड़ा साडा कॉग्निशन फंक्शनिंग है, जिहड़े न्यूरो ट्रांसमीटर्स ने साडे, वो सारे सारे उन्होंने इमेजिनेशन का लैवल हायर लैवल पर आना शुरू हो जाता। बच्चे इस करके कहते नवा ब्लड आ, नवे तरीके सोचते, क्योंकि वो इमेजिनेशन दुनिया नाल वक्री होंगी, डिफरेंट वे नाल सोचता है। सो ये चीज़ा सारिया आदि मुताबक इतने चूक ना करनी, वह जी चोइसिज, वह जहाँ माहौल, वह जहाँ एनवायरमेंट, सब पहला आप जिहड़ा जेसी रिस्पोंसीबल ना वास्ते बिल्ड करना, जिथे दूजे साढ़े वास्ते जिम्मे सानू उस रूप में प्रोवाइड कर दे। सो ये सब चीज़ा इन्हें चूक हो जाए, जदों अब जो असं डिवेलप नेशन देख रहे हैं ना, तो फैमिली मॉडल फेल हो रहे हैं, इतने चूक हो रही है। आइदर जिहड़ा इनफॉर्मेशन का एक्सपोजर का जिहड़ा पेस है, इतना मतलब हाई है, इतना फास्ट आ कि उस लैवल पर जिहड़े भावें पेरेंट्स ने भावें अथॉरिटीज़ ने उन्हें कैच नहीं कर पा रही, दे आर लैकिंग बिहाइंड, एंड ड्यू टू दैट रीज़न उत्थे फिर मुश्किल खड़ी हो रही है। उत्थे इस किस्म का जिहड़ा हैगा तुसीं देख रहे हो हालात बन रहे हैं। सो एक फेलियर है, चूक हो गई। जदों एक कंट्रोल किया जाता, एक पेस प्रॉपर होंदा, तो डेफिनेटली जिन्ना साढ़े को रिसोर्सिज ने जिहदे मुताबिक तुसीं कमाल दे जिहड़ा हैगा इंडिविजुअल्स, कमाल दे मनुख नूं धरती ते उहदी उहदा विहार वेख सकदे सीगे। खैर ये सब चूकां ने, जिवें जिवें बंदा इहनां सब तों चूकदा जांदा है तो सारे दे विच्चों फिर एक चीज़ होर पैदा होंदी है। सपोज करो तुसीं कोई बस फड़नी सी इन टाइम, तो तुहाडी बस मिस कर गई, हुण की होएगा? अफसोस। बंदा बहुत मुश्किल है इस चो बाहर निकल सके कि लै जे मैं बस से बैठा होंदा तो हुण बस ने फलां जगह पर पहुँच जाना सीगा। दैट इंडिविजुअल विल कंटिन्यू एक्चुअली इमेजनिंग वट वुड हैव हैपन अंटिल नाउ, वट वुड हैव हैपन अंटिल नाउ। इस तरीके दे नाल इस सारे दे विच्चों जिहड़ी चीज़ जनरेट होंदी है वह हैगा गिल्ट, उस तो नैक्सट लैवल पर डिप्रैशन। बंदा सोग च ही तुरिया जाता है, ओहो फ्लाइट मिस हो गई, जे फ्लाइट ना मिस होंगी तो हर रीज़न, हर प्रॉब्लम, हर चीज़ वो रिलेट हो जाती है। फिर इस तरीके गुरु बाबा जी ने ये जी बात कही है, देखो क्या कमाल है। महाराज कहते जे भूली जे चूकी साई, जे भुल गई, जे चूक गई जो कर्म करन योग सी, जिस लैवल ते मैनू अपने वालों कंट्रीब्यूट करना चाहिदा सीगा नहीं कर पाया, भी तहिंजी कांडियां, तहिंजी का मतलब है तेरी कांडियां कढ़े जाना, हिस्से आ जाना, तेरे वाले पासे गिने जाना, ये बात हो रही है। मालक मंदा आ चंगा आ जो भी हाँ, आखिरकार तेरा ही बंदा आ, तेरे हिस्से च ही आवांगा। इसलिए इस सारे तो भी बाहर आ जाना, ओवरकम कर जाना। एक है ना, गलती हो गई, भुल हो गई, जो भी, उस सब के बावजूद भी मालक तरस कर मेरे थे, तो वो ये बेनतता आ। आप देखोगे बच्चे ने घर दे तीन चार तो सवेर तो शाम तकर कुछ घर के काम कंट्रीब्यूट कर दे, कुछ घर के काम खराब कर दे। कंट्रीब्यूट तो की करना, वो बल्कि होर खलल पाते, होर इस तरीके शरारत करते सब। खैर वो सवेर तो शाम पै जाते, तो शाम पैंदा जी माँ का रोल है, फिर माँ की कर दी, माँ सारिया थाली सजा के देंदी खाने वास्ते, कोई गल नहीं। आ तो कई बार बच्चा दूजा इतराज भी करता, ये तो शरारती सीगा, इन्हें तो गलत काम किया, माँ कहती कोई गल नहीं, ये कल नू करांगे पनिश पक्का, मैं याद कराई सवेरे इस तरह कर देंगे। उन्हें पता आ ये भुला होनिया, ये चूक होनी, ये नॉर्मल आ, ये हिस्सा आ सारे रूप के। सो इस तरीके ने या उन्होंने वड्याद ना, बेटा तू तो बहुत सियाना बच्चा है मेरा, ये इनू तो आप सियाना बनाना, तूने रल के आप अपना काम आए, ये हुण साडी गल मनेगा, आप ठीक करांगे। भाव एक तरह के उस लैवल पर लै आना, करतार का काम यही है। करतार नूं गुरबाणी कहिंदी है, भुलिया भटकिया राह तो चूकिया भी आखिरकार फिर दोबारा राह पा लैंदा है। इत्थे गुरु साहब ने कहा, हे दाता जे भूली जे चूकी साई, भी तहिंजी कांडियां, आखिरकार हिस्से तो तेरे ही आवांगा ना, परिवार तो तेरे तो बाहर जा नहीं ना सकता, मालक घड़न वाला तो तू ही, साजन वाला तू ही है मैनू। फिर अगला वचन है, जिन्ना नेह दुजाने लगा, झूर मरों से वांडियां,
जिन्ना नेह दुजाने लगा। नेह जिहड़ी हुंदी है कशिश, जिहदे विचों क्रेविंग बिल्ट हुंदी है। आप देखोगे साडा मोस्टली जिहड़ा हैगा साडा नेह दुजाने, सानूं पदार्थ चंगा लगता है, माया चंगी लगती है। ईवन जिस दौर चों अज वी असीं लंघ रहे हाँ, तो आप एहसास करके देखो, मैं तो बड़ा हैरान कुन हो रहा कि कला टोरंटो बोर्ड की जिहड़ी ईमेल आपने भी शायद पढ़ी हुई, काफ़ी ज़्यादा उस किस्म के नाल मैसेजेस आले दुआले स्प्रैड हो रहे हैं कि 500 तो वध टीचर की जिहड़ी है उन्होंने लोड़ आ। देर आर मोर दैन 500 एक्चुअली वैकेंसीज, दे वॉन्ट टू फुलफिल इट, बट देर इज नो एनफ टीचरस। एनफ टीचर नहीं है। ये जो तुम होर पिछोकड़े चले जाओगे तो जिस किस्म का बिजनेस मॉडल वैसटन या अमेरिकनाइज वर्ल्ड ने बिल्ड किया आ, टीचर कोई बहुत बेस्ट चॉइस नहीं कैरीयर वास्ते। मैं खुद यंगस्टर कई किन्ने किन्ने समय तो जोड़ा है इन्हों इंट्रैक्शन करता हाँ, मोस्टली ये होंगे कि जो कोई होर चॉइस नहीं बची किसी लैवल की, तो फिर कई बार कुछ है पैशनेट जोड़े वाक्य चूज़ करते हैं, तो उन्होंने भी मैं देखा इस करके नहीं कि उस पास जाना, इस करके कि इतने एक्सट्रा जिहड़ियां ने छुट्टियां मिल जाएगियां, परक्स मिल जाएंगे। तो कई बार मोस्टली ये कहते हैं कि चलो ये लड़की हैगी तो वधिया बच्चे नाले पाल लेगी, तो नाले आप टीचर रहेगी, इकट्ठा काम कुम हो जाएगा। तो कई बार जिहड़ा हैगा विआह वास्ते इंडिविजुअल्स कहते हैं कि लड़की टीचर हो। इस किस्म एक एक्चुअल एक पूरे का पूरा जिहड़ा पोर्टफोलियो आ उन्हूं अंडर जिहड़ा है माइन करके लिया जा रहा है। हालांकि टीचर वो आ जिन्हें सारे समाज को राह विखाउणा आ। मैं इत्थे CSC दे च काम करदा आ, बड़े कुछ रिटायर्ड स्कॉलरस बंदे हैगे ने जिन्हां ने कम्यूनिटी च बड़ा कंट्रीब्यूट किया, अजकल वॉलंटियर वर्क करदे ने उत्थे। तो बाय चांस एक दिन बात हो रही टीचर्स बारे, जदों इत्थे ना टोरंटो दे साडे इत्थे स्ट्राइक्स वगैरह चल रही सीगियां, तो वो भी टीचर रहा कोई जिंदगी दे 15 वर्ष। उस तो बाद फिर वो साइकोलॉजी साइड चला गया, होर प्रोफेशनल साइड चला गया। तो उहदे नाल बात हो रही तो एक दो कुलीग होर गल्लां करदे कहिंदे वी तूं वी तो टीचर रहा आ, तो टीचर तनखाह ते लड़ी जांदे ने, मतलब पढ़ाना चाहिए इन्हां नूं, ये जांदे ने कुछ जो एरिया भी थोड़ा कंजरवेटिव बैल्ट हैगी है। तो वह हस के कहिंदा वाइट कम्यूनिटी चों गोरा बंदा, वह कहिंदा तुहानूं नहीं पता एक्चुअल लैवल ते इशू की है। कहिंदा कि ये वेजिस की गल नहीं हैगी, वेजिस हार्ड कोर वेजिस जिन्होंने कहने, एक्चुअली जेडे लिविंग वेजिस ने वो एनफ नहीं है। वो कहिंदा बट यू मीन बाय लिविंग वेजिस आर नॉट एनफ एयर। वो कहिंदा मैं तुम्हें एग्जाम्पल कर दा, कहिंदा मैं ते मेरी वाइफ असी दोनों ने 70वें दे विच टीचिंग की जॉब शुरू की। जेडी मेरी तनख्वाह सी अराउंड $8,000 एनुअल, वाइफ क्योंकि उहदी BEd प्रॉपर कंप्लीट नहीं सी हुई इस करके उहदी 6,000 दे करीब सी। सो इहदा दोनों का जो आप रला लईए तो अराउंड जिहड़ा हैगा $14,000-15,000 ईजीली बन जाता, इन्हें बाकी सब साढ़े होर परक्स वगैरह लगा लिए। तो कहिंदा कि असी जिहड़ा पहला साडा ड्रीम हाउस सी, साढ़े को छोटी जी कॉन्डो सी, जिहड़ा पहला साडा ड्रीम हाउस सीगा वो असी जिहड़ा बाय किया उहदी कीमत अराउंड $32,000 सी। कहिंदा 2 साल की साडी कंप्लीट जिहड़ी इनकम आ वो सानू एक पूरा साडा ड्रीम हाउस बाय करने विच हैल्प करदी सीगी। अज नाल मैच करके देखो, अज टीचर की 10 साल की तनखा भी उन्हें ड्रीम हाउस नहीं दवा सकते। कहिंदा लिविंग जिहड़ी वेजिज ने एक्सपेंसिज दे नाल मैच ये नहीं हो रहे, सोसाइटी कितने मिस कर गई बड़ा वड्डा। सो ये भी चीज़ा ने, ये रियलिटी एक वड्डे लैवल ते, ये सारे सोशल स्ट्रक्चर जिवें अमेरिकन प्रेजिडेंसी लई कदी एज ए कैंडीडेट रन करने वाला अल गौर बुश के खिलाफ वो कहिंदे जित हार कुछ वोटां दी बेईमानी वगैरह नाल होई जो वट एवर, बट अल गौर ने कदी गल कही सी, वो कहिंदा कि वी हैव टू री राइट आवर होल साइंस बुक्स। साइंटिस्ट रहा ना सारी उम्र, उन्हें बस
आप अपने तौर पर बात लिखी तो दी जो खुद देखना चाहो तो शायद अनकनवीनियंट ट्रुथ दैट इज एक्चुअली हिज वेरी मास्टर वर्क कितने कितने तो मिल जाए शायद यूट्यूब वगैरह से अनकनवीनियंट ट्रुथ है सच पर मुआफक नहीं गा अनकनवीनियंट है तुम उन्होंने वेख के वैदर बारे सारे बारे तो कहें भी वी हैव टू री राइट आवर साइंस बुक्स साइंस साइंस री राइट करनी पेगी साइंस के बेस सारा कुछ हाँ तो ये बात हो रही है जे आप इस इकोनमी की गल करिए इकोनॉमिक मॉडल की गल करिए सोशल मॉडल की गल करिए फिर भी है बीइंग ए सिख सानू कई बार लगता है कि शायद साड़ा जो कुछ साढ़े पिछोकड़ जा रहा सारा ही सुट पाउण वाला है ना नो डाउट रिसोर्स कट गए साढ़े कोल पॉलिसीज इस तरह दियां बनियां जिन्हां पॉलिसीज ने साड़ी करसानी दा साढ़े सभ्याचार दा साढ़े पूरे इकनोमिकल कल्चर नू मार दिता वो सारे दे नाल जिहड़ा हैगा एक वैक्यूम क्रिएट होया जिन्हों असी फुलफिल ना कर पाए तो उस विचों साडा प्रवास जिन्हों असी माइग्रेट होना कहने जन्म लेंदा आ तो उहदे नाल असी अज डायस्पोरा च इस तरीके नाल इस लैवल ते जी रहे हैं पर जे सोचा जाए कई बार लोग कह देंगे मैं लिटरली तौर पर कई बार लोगों ने कहा डोंट यू थिंक क्रिश्चन वर्ल्ड इज़ अ वे बैटर दैन अस इफ वी एक्चुअली कंपेयर आवर कल्चर एंड आवर पीपल एंड आवर एक्चुअली रीजन्स विद दीज एरियाज दैन वी आर एक्चुअली अ वे लोअर कंपेयर टू दैम इन एट एनी लैवल यू कैन कंपेयर इट एजुकेशन साइड तो लै आओ तुसी एटिकेट्स मैनर्स दे साइड तो लै आओ तुसी जड़ा हैगा ह्यूमन वैल्यूज दे लैवल ते लै आओ वी आर लैकिंग एवरीथिंग सो दे आर वे बैटर कंपेयर टू अस फिर मैं उन्होंने कहना इट्स रोंग कंपैरिजन ये तुसी खुद पढ़ना हो ना तो तुसी बाबा नोद सिंह पढ़ो भाई वीर सिंह जी का कमाल का डॉक्यूमेंट जदों ब्रिटिश रूलरस ने उत्थे गोरा बंदा बिल्कुल चिट चंडौट उपर तो लैके पैरां तक इस तरीके दे नाल वधिया ड्रैसअप होया है वैसटर्न स्टाइल दे विच ते ओ गोरा जिहड़ा हैगा ओ लोकां नूं पिंडां दे विच ते दूजा ओ रूलिंग जमात विच आउंदा है क्योंकि उहदे अफसर लगे ने जज लगे ने वड्डे सारे ओ मालक ने ते ओ आके जदों लोकां नूं धर्म पढ़ाउंदा अपना लोकी ते देखो वधिया गल कर रहा होना कोई पढ़ो इन्हू फिर भाई वीर सिंह दस उहदे च विखाउंदे किवें जिवें बाबा नोद सिंह करैक्टर जिहड़ा आ उहनू काउंटर करदा आ उह दसदा जिवें दीआं गल्लां उह कहिंदा इह लोक सफाई रखदे ने इहनां नूं सफाई दा नहीं पता हैगा उह कहिंदा सफाई नहीं इहनां दी जिंदगी दा हिस्सा हैगा तैनूं पता है इह जिहड़ी तूड़ी डुल्ली इह जिहड़े पशु इत्थे लग रहे ने सारे ईको सिस्टम है सारा इह इन्हां नूं इह सारे दे विच इन्हां नूं वधिया तरीके नाल रहना आउंदा हैगा थोड़े रिसोर्स दे नाल जिंदगी नूं चंगे तरीके नाल जीना जानदे ने लोग मैनर सिर्फ उह नहीं हुंदे जिहड़े सिर्फ तुसीं मूँह तो पोलाइट हो के तो उस तरीके नाल करदे हो एक्चुअल लैवल दे बंदे दे अंदर दी दुनिया चों जिहड़ी चीज़ निकलती है वह ज़्यादा मायने रखती है वह ज़्यादा साफ गोई च हुंदी है सो इहो जिहियां चीज़ां जिहड़ियां ने जिवें बहुत सारे असीं इस लैवल पर देखते हैं चीज़ों मनोपुलेट करना जड़ा मूँह तो मिठे रहना अंदरों कुछ होर रहना ये चीज़ा ता ही तो फिर कोई उस तरीके नाल ना फैमिली लाइफ बिल्ड हो पाती है ना कोई सोशल कनैक्शन बन पाते हैं तो बंदा वेखन वैसे बड़ा पोलाइट लगता बड़ा उस तरीके बट कोई इनर कनैक्शन नहीं है रीज़न की है क्योंकि हर जगह के उत्ते जी है एक अजीब किस्म की जी वो पॉलिश की गई है अंदर कुछ होर ही चल रहा है गुरु बाबा जी ने जो सानू मैसेज संदेश दिता बाणी के जरिए जिस मैसेज संदेश नूं असी थोड़ा अपने जीवन इन्हों समाजों के भी जिथे असी रह रहे हैं गुरबाणी नूं पढ़िए अजी बाय चांस एक बच्चा इतने आया सीगा ही वॉज एक्चुअली स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड बाय चांस ही केम इन लाइब्रेरी एंड we had little chat and then he was asking me so many questions and I was trying to answer his questions with Gurbani and he finally asked me ete
ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਡਰਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਸਟੈਪਿੰਗ ਹੇਅਰ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈਵ ਦਿਸ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਮੈਸੇਜਿਸ ਹੇਅਰ। ਇਹ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਨਿਹ ਦੁਜਾਣੇ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਪੈਸਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਟੀਚਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੋ, ਦੁਜਾਣੇ ਕਰੇਵਿੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਐਥੀਕਲੀ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਲਹਿਜਾ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਆਮ ਟੋਟਲੀ ਐਕਚੁਲੀ ਬਲੈਂਕ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਸਾਈਡ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਦੱਸੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੇਮ 'ਚ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਆਪ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ, ਸਭ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਰੰਗ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਆਫਰੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਨਿਹ ਦੁਜਾਣੇ ਲੱਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਦਹਿਨ ਦੋ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚ, ਝੂਰ ਮਰੋ ਸੇ ਵਾਂਢੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਾਂਢੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਭਾਵ ਗੁਆਚ ਗਏ, ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਵਾਂਢੇ ਗਏ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਝੂਰ ਮਰੋ, ਫਿਰ ਝੂਰ ਝੂਰ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਝੂਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ, ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਝੂਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ, ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਆ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ? ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਹਰੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਇਹਦੀ ਫਰਦਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।